तो दोस्तों आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल यमहा R15 V4 मेटलिक रेड कलर। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2024 मॉडल यमहा R15 V4 में आपको क्या क्या अपडेट मिलती है, क्या लेटेस्ट प्राइस है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिएगा इस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2024 मॉडल यमहा R15 V4 में आपको क्या क्या अपडेट देखने मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यह आपको सिर्फ इसमें कलर अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि यह बाइक आप देख रहे हैं तो यहाँ पर R15 की जो आपको ब्रांडिंग मिलती है इस तरह से आपको येलो कलर में आपको देखने को मिलता है। हल्का सा गोल्ड टच इसमें दिया गया है, जो इसकी ग्राफिक्स मिली है। यहाँ पे वजह 4 की आपको ब्रांडिंग मिली है। तो यहाँ पे आप देखो जो स्टिकरिंग दिया गया है जिसकी वजह से यह बाइक काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। सिर्फ ग्राफिक्स आपको इसमें चेंजेस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल आप देखें तो यह बाइक काफ़ी अच्छी लग रही देखने में पहले के मुकाबले। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो यमहा R15 V4 जो मेटलिक ग्रेड कर रहा है, इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 218,833 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप यमहा शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बाइक का जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इससे निकल के आती है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिरर आपको मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो विंडशील्ड आपको जो मिलती है, ट्रांसपेरेंट आपको विंडशील्ड मिल जाती है। और इसके हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट सेटअप आपको मिलती है, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट की सेटअप मिल जाती है विथ LED डियाज आपको लगे मिलती है, जो काफ़ी यूनिक लगती है देखने में। तो इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में मिल रही है USD फोक सस्पेंशन आपको मिली, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन इसमें फ्रंट में ऑफर किया गया है। और इसका फेंडर जो आपको मिलता है बॉडी कट में आपको मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। तो जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है, तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 282mm की आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ABS की चैन मिल रही है और वाइब्री का ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। और जो आपको टायर प्रोफाइल लगी मिलती है 100x80-70 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है। और जो इसका अलॉय व्हील का कलर आपको मिलता है इसमें ब्लैक कलर में दिया हुआ है। अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट प्रोफाइल है कुछ इससे निकल के आती है। बाइक काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। और गाइस इसके फेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके फेयरिंग्स पे तो आपको इस तरह से ग्राफिक्स मिल जाती है। वहीं पर आप देखेंगे तो आपको R15 की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिली है, वर्जन 4 इस तरह से लिखा हुआ है। और जो टर्न इंडिकेटर आपको अभी भी मिल रही है, बल्ब वाले मिल रहे हैं। LED का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है 2024 मॉडल में, जबकि ये वहाँ को इसे देना चाहिए था। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके फेयरिंग्स पे तो आपको यहाँ पे यमहा की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। इस तरह से आपको इंजन लगी मिलती है। इंजन स्पेक आगे मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गाइस इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है काफ़ी मस्कुलर आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो गाइस इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है 11 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। E20 की ब्रांडिंग मिली है और इस तरह से फ्यूल फिलिंग कैप आपको मिल रही है। काफ़ी मस्कुलर आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक लगी मिलती है। दोनों साइड में आप नोटिस करेंगे तो यमहा की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है, जो लोगो मिलता है यहाँ पर दोनों साइड में इस तरह से दिया हुआ है। और इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल कहती है। और जो फुटपैक्स आपको मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, इसमें मेटलिक का दिया हुआ है। अब बात करेंगे इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो गाइस रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लग मिलती है लिंक मोनोक्रास सस्पेंशन आपको लग मिलती है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन रियर में भी ऑफर किया गया है। तो राइडिंग कम्फर्ट आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आपको फुटपैक्स मिल रही है। अब बात करेंगे इस बाइक के रियर ब्रेकिंग के बारे में। तो जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 220mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है और 70 इंचेस का आपको व्हील साइज मिल जाती है। और टायर सेक्शन की बात कर लें तो आपको जो रियर में टायर मिल रही है 140x70 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है, जिसकी ग्रिपिंग आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार आपको ग्रिपिंग मिल जाती है इस बाइक में। तो इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल के आती है। और रियर व्हील जो आपको मिलती है ब्लैक कलर में इसमें ऑफर किया गया है। और इस तरह से रियर साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर VVA वेरिएबल वॉल एक्चुएशन की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस तरह से ग्राफिक्स मिल रही है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है इस तरह से निकल के आती है। जो टेल लाइट आपको मिल रही है इस बाइक में, LED टेल लाइट आपको मिलती है, पहले वाली आपको मिली है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको पहले वाली मिली है, यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर आपको मिल रही है। अब आते हैं इस साइड में। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इससे निकल के आती है। तो लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे तो इसके फेयरिंग पे आपको यमहा R15 वर्जन 4 की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। इससे आपको
फेरिंग्स मिल रही है और जो फुटपैक्स मिलती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया गया है। अब आते हैं इसके हैंडल बार की तरफ, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको जो हैंडल बार लग मिलते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार आपको लग मिलती है। कंट्रोल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासिंग लाइट का स्विच इंडिकेटर हॉर्न का स्विच दिया गया है और इस साइड में इंजन के स्विच और पी स्टार्ट हज़ार एट का आपको फंक्शन मिल जाती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, डिजिटल टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। साथ साथ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स भी दिया गया है, जिससे आप यहाँ के जो वाई कनेक्ट एफ है उससे पेयर करते हैं तो आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स इसमें ऑफर किया गया है उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पे, जैसे SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, इनकमिंग कॉल, ये सारी कनेक्टिव फीचर्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो मीटर कंसोल मिलती है फुल डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स के साथ इसमें दिया हुआ है। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 155 cc का लिक्विड कूल BS6 फेज 2 आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 18.1 bhp की पावर जनरेट करती है एट 10,000 rpm पे आपको मैक्स पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलती है 14.2 Nm की आपको टॉर्क मिलती है एट 5,000 rpm पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है, तो काफ़ी पावरफुल आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। साइड इससे इंजन कटअप आपको फीचर्स मिल जाती है और इस तरह से आप देखेंगे तो ओपन चेन ड्राइव सिस्टम इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है स्प्लिट टाइप का आपको सीट मिल जाती है, तो यहाँ पे आप कुशनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो सीट मिलती है काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट लगी मिलती है, काफ़ी वेल कुशन्ड इसमें सीट दिया हुआ है, जो राइडर और प्लेन दोनों के लिए आपको काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट लगी मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्लेन सीट है, कुछ थोड़ा सा नैरो मिल जाती है और जो राइडर सीट है थोड़ा सा इसमें वाइडर मिल जाती है, तो कम्फर्ट को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी वाइडर आपको सीट लगी मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट लगी मिलती है। और सीट हाइट की बात कर लें तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 850 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में, तो इस बाइक का जो कार्बेट आपको मिलता है 141 kg का इसका वेट दिया गया है। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 850 mm का सीट हाइट दिया हुआ है। ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिल जाती है 170 mm का ग्राउंड केस दिया हुआ है। ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलती है 1990 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 725 mm का विड्थ दिया हुआ है। और हाइट की बात करें तो इसका जो हाइट आपको मिलता है 1135 mm का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है। और व्हील बेस जो आपको मिल जाती है यामाहा R15 V4 में 1325 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 35 से 40 km की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग बता दिया है तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 2,18,833 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप यामाहा शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा यामाहा R15 V4 2024 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी है बाइक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में सता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।